हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द कंटिन्यूस एपिसोड. सो आज का है मेरा आखिरी दिन कोलकाता में. सो फाइनली गाइस आई वुड लाइक टू रिवील आज क्या किस काम के लिए आया हूँ ये बताने जा रहा हूँ. पहले तो अभी मैं उठ के नहा धो के फ्रेश होके बाल भी ठीक नहीं है, अभी ये दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ चुका है, मैं अपना शेविंग किट भी नहीं लाया ना. सो मेरा दोस्त लोग दूसरे कमरे में वो लोग भी रेडी हो रहे हैं. 8:30 को हम निकलने वाले हैं. कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा. सो मेरा एक बड़ा सा सरप्राइज़ है आने वाले मंथ में. सो उसी के लिए मैं आया हूँ कोलकाता. थोड़ा सा पेपर वर्क था, ऑफिशियल वर्क. सो मैं जा रहा हूँ समर. एनीवेज सो आज है मेरा वीसा का काम. सो वीसा के काम के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे कोलकाता में. सो 3 दिनों तक तीन दिनों तक कोलकाता में था. मतलब ऐसा पूरा मज़ा आया, आनंद आया, क्योंकि इस बार ना गर्मी में नहीं आया. मतलब गर्मी का ही है मौसम, फिर भी यहाँ बारिश के वजह से ना बहुत ऐसा कूल सा वेदर है. सो आई डी नॉट हैव मच प्रॉब्लम एंड थैंक्स टू डॉन मोस्को नीतिका फॉर इन्वाइटिंग अस, फॉर वेलकमिंग अस एंड फॉर गिविंग सच अ गुड होम लाइक फील. नो सो सब कुछ के लिए शुक्रिया आप लोगों को. और आगे देखते जाइए क्या होगा आज के दिन के लिए. सो होप यू गाइस एंजॉय आज का भी एपिसोड. अच्छा यहाँ पर खुला है ना? खुला नहीं है. सो मेरा वीसा का काम हो गया, अभी मैं वापस जा रहा हूँ. मैं ऊबर को वेट कर रहा हूँ गाइस. पूरा दिन का ऐसा वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि ऑफिस में मना ही था ना इसलिए. तो कैसे गाइस लेटर. हेलो गाइस आई रीच्ड एयरपोर्ट. आज मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ भागडोगरा. सो क्योंकि कल से मेरा ड्यूटी है ना, इसी वजह से आज मैं यहीं से फ्लाइट ले रहा हूँ. सो एन्जॉय माय ट्रिप ऑफ द फ्लाइट. डी मारे चलो. Inside the airport and just going to start my meal for today. Cold day कुछ नहीं खाया, अभी जाके मेरा ये आज का lunch बोलो, brunch बोलो, dinner बोलो, कुछ भी. अभी that time है 3:00, so अभी 1 घंटा बाकी है, 2 घंटा शायद उसके बाद. So this is chicken roll. So guys, after I spent some with a special person, एक बहुत ही अच्छा इंसान के साथ समय बीत गया. मैं उनका वीडियो नहीं करवाया क्योंकि वो इस्कॉन का एक महागुरु था ना. तो फिर भी उनके साथ बात करके इतना अच्छा लगा. सो अभी मैं हूँ बस में, अभी हम जा रहे हैं मेरे फ्लाइट की तरफ. यहाँ पे स्पाइस जेट है, शायद हम यही इसी फ्लाइट से जाएंगे.
Hey guys, I got my seat. So ये मेरा seat नहीं है, फिर भी उन लोगों ने मेरे को ये वाला seat दिया, अच्छा वाला है. Window के पास हूँ, uncle के साथ हूँ और पीछे भी इतना दन. तो शायद ये थोड़ा सा seat ज़्यादा खाली हुआ होगा, इसी वजह से मेरे को बीच का कोई भी एक seat दे दिया. So अब हम स्टार्ट करेंगे 4:15 को और पहुँचेंगे 5:30 को बागडोगरा. तो वहाँ पे पापा और भैया वेट कर रहे हैं मेरे लिए और हम जाएंगे घर वापस. तो इतना तक है आज का सफ़र. The Quincy Airport and photograph is strictly prohibited here. Thank you. Guys, हर बार की तरह ये जरूरी है. Guys, देखो कितना भीड़ है भाई. हमें यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने ट्रेन के लिए. अब खत्म होगा ये. सबको जल्दी है, सिर्फ हमें ही आराम है. आराम से लास्ट में निकलूंगा और घर जाऊंगा गाइस. हो गया हमारा आज का सफर खत्म गाइस. वो निकल रहे हैं पहाड़. थैंक यू. So that was my tour guys. Thank you so much for watching. Yeah, मैं बाहर जा रहा हूँ. यहाँ से करना है एग्जिट हमको. यस, बैग ले मैं, पर मेरा बैग नहीं है. मेरा बैग तो मेरे पास ही है. तो आस्ते आस्ते धीरे धीरे से करने से बाहर जाएंगे. तो बाहर सीधा दिखाएंगे आपको. तो दिस द एग्जिट. ये है बागडोगरा का छोटा सा एयरपोर्ट. डोमेस्टिक नहीं टैक्सी. एंड दैट्स बंदी. कौन किसे ले जाएगा पैसे में गाइस. सो ऐसा ही होता है, हर बार पूछ लेता है ना हमें. तुमको गाड़ी है गाइस? मेरा तो गाड़ी है बाहर. सो आई एम गोइंग स्ट्रेट अवे आउटसाइड. पापा और भैया वेट कर रहे हैं ना. तो बहुत मज़ा आया. मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो इतना डरावना भी एक्सपीरियंस हुआ, पर पहले जैसा नहीं. अब तो मैच्योर भी हो गया हूँ, एज भी बढ़ गया है ना, तो अब कर सकता हूँ. सो कहीं पे भी ट्रैवलिंग अलोन कर सकता हूँ. ओनली थोड़ा थोड़ा हेल्प लेना पड़ा, वरना उसके अलावा तो आसान था. सो अभी थोड़ा आगे है पापा और भैया, वहाँ पर जाके हम वहीं पे बात करें. मिल गया. सो गाइस फाइनल अपडेट, पापा मिल गया भैया. क्यों रेड लाइट? ओहो कितना जुर्माना पड़ा? 5,000. ओ डैडी 5,000 मांग रहे थे. ओहो ओहो करो ना करो, और ओवर स्पीड करो. हाँ वैसा ही होगा. एनीवेज सो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ.